500 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका। समय का पल पल, शरीर का कण कण, 125 करोड़ देशवासियों के काम कैसे आए, ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं तो देश बहुत तेजी से संकटों से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। हमने बहुत योजना पूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। देश के 125 करोड़, देश के गरीब, देश का गांव, जैसा मेरा बैकग्राउंड है, मैं उन्हीं के बीच जीता रहूं, उन्हीं के बीच जुड़ा रहूं, और उससे मैं देश का जितना भला कर पाऊंगा करता रहूंगा। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसी ही मोदी की पहचान, 125 करोड़ में खो गया, 125 करोड़ में लिप्त हो गया, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर ना आता। अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा? यही खुशी होगी।